कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कोका क्या है? आज के इस वीडियो में हम कोका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। ये टर्म आपके बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरह से ये टर्म आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कोका इस टर्म को अच्छे से समझने के लिए अपने बिजनेस के अंदर कोका की जो फिगर है उसको अच्छी तरह से कैलकुलेट करके अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कोका मीन्स एक कस्टमर को आपके बिजनेस के अंदर लाने में, एक कस्टमर को एक्वायर करने में आपकी कितनी कॉस्टिंग लग रही है। आज हम इस वीडियो में कोका की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। कोका इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको फिगर आउट करना हमारे बिजनेस के अंदर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको हम समझेंगे। कोई भी इन्वेस्टर के सामने जब कोई एंटरप्रेन्योर अपनी पिच प्रेजेंटेशन करता है तो एंटरप्रेन्योर की जो भी पिच होता है उसके अंदर कोका की फिगर को कोई भी इन्वेस्टर अच्छी तरह से ध्यान देता है, उस पर इन्वेस्टर गौर फरमाता है, क्योंकि उसको भी पता है कोका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से बिजनेस, सोशल मीडिया और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कोका को परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हैं, क्योंकि आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है उसका आउटकम क्या आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से आउटकम के जरिए आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो उसको आप कोका के जरिए ही कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के अंदर कितना आ रहा है उसकी क्लियरिटी भी आपको कोका के जरिए ही मिलता है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन के जरिए ही मिलता है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है इसकी आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आप अपने बिजनेस के अंदर जरूरी जो भी स्टेप्स लेने हैं उसको अच्छी तरह से एक्यूरेट वे में ले सकते हैं। कोका हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो हमको पता चल गया, बट अभी हमें कोका कैसे कैलकुलेट करना है उसकी फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तभी तो हम अपने बिजनेस के अंदर कोका को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल के जरिए अपने कोका को कैसे कैलकुलेट करना है बिजनेस के अंदर उसको सीखते हैं। सपोज आपने एक फेसबुक एड रन किया अपने बिजनेस अपने ब्रांड के लिए और उसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट गया 1000 रुपीज और उन 1000 रुपीज में आपने एक्वायर किए हैं 10 कस्टमर्स, तो आपका कोका होगा आपके जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट गया 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय आपको जितने कस्टमर मिले आपके टोटल नंबर ऑफ एक्वायर्ड कस्टमर 10 इक्वल टू कोका होगा आपका 100। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के अंदर कोका को कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रिंसिपल फॉर्मूला के जरिए। और अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर कोका को कैलकुलेट कर दिया तो आप अपने बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम वैल्यू और कोका की रेशियो जो है उसको भी निकाल सकते हैं, और ये रेशियो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कोका का पता होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, बट आपके बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम वैल्यू LTV टू कोका रेशियो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन रेशियो जो है वो भी पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी जानकारी आपको हो जाता है। क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम वैल्यू टू कोका रेशियो अगर कोका का ज्यादा हो रहा है तो हम अपने बिजनेस के अंदर लॉस में जा रहे हैं, हमारा बिजनेस बंद होने वाला है। और अगर हमारे बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम वैल्यू की रेशियो ज्यादा है, लाइफ टाइम वैल्यू का जो फिगर है वो ज्यादा है, तभी हम अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम वैल्यू टू कोका रेशियो कितना होना चाहिए एक्जेक्टली, तभी हम अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आंसर इज ये रेशियो आपका 3:1 होना चाहिए एवरेज में, तभी आप अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कोका का जो फिगर है उससे आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस के अंदर आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिसमें आप काम कर रहे वो स्ट्रेटजीज एक्चुअली में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके आउटकम किस तरह से आ रहे, पॉजिटिव वे में आ रहे या निगेटिव वे में आ रहे। कोका के जरिए आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन चल रहे उनमें से कौन से कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहे, कौन से कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वहां से आपको आइडिया लग सकता है, आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से कैंपेन को आपको आगे रन करना है और कौन से कैंपेन को यहीं पे पॉज कर देना है। जब कोई भी बिजनेस का स्टार्टअप होता है तो स्टार्टअप के टाइम पे कोका कॉस्ट ऑफ
कस्टमर एक्विजिशन का जो वैल्यू है वो ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपके बिजनेस के अंदर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और स्टार्टअप के अंदर आपका फोकस थोड़ा ज्यादा भी है, फिर भी आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप के टाइम पे आपकी ब्रांड के बारे में लोगों को पता नहीं है, आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज की क्वालिटी क्या होगा, क्या वैल्यू आप अपने कस्टमर के लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज के जरिए, वो भी लोगों को पता नहीं होता है। वो एकदम ब्लाइंड रहते हैं आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में, जिसकी वजह से एक एक कस्टमर को आपके बिजनेस के अंदर लाने में, उनको ट्रांजैक्ट कराने में आपके कंपनी के साथ आपको बहुत ज्यादा हो सकता है कोका लग जाए। तो अगर वहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन थोड़ा ज्यादा भी जा रहा है, फिर भी आपको घबराना नहीं है, आपको उसी तरह से आगे काम करते जाना। अपनी ब्रांड की एक वैल्यू अगर आप क्रिएट कर पाए ज्यादा कोका लगाते हुए, तब ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपका कोका कम हो जाएगा और लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो कोका और लाइफ टाइम वैल्यू का जो ग्राफ है वो इनिशियली शुरू होगा, कोका ज्यादा जाएगा, लाइफ टाइम वैल्यू कम जाएगा, बट ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे कोका एंड लाइफ टाइम वैल्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और उसके बाद कोका धीरे धीरे कम होता रहेगा। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, एक एक कस्टमर को अपने बिजनेस के अंदर लाने में आपको कम पैसा खर्चा करने से भी चलेगा और वहां पे एक एक कस्टमर लाइफ टाइम तक आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम, मल्टीपल टाइम आपके साथ ट्रांजेक्ट करेगा, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदेगा और उस तरह से आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। वहां पे लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपका कोका बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एक कस्टमर को लाने में आपको वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है और वो कस्टमर जितना ज्यादा टाइम आपके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है उतना ही आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो हो रहा है। जितना आपका लाइफ टाइम वैल्यू टू कोका रेशियो अच्छा होगा उतना ही आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आएगा, उतना ही ज्यादा अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे, वो आगे से आपको अप्रोच करेंगे, आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी को हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा उतना ही आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्रति ध्यान देंगे, अपने कस्टमर के प्रति ध्यान देंगे, जिसके जरिए आपके नंबर ऑफ कस्टमर भी ज्यादा होंगे, वर्ड ऑफ माउथ आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा और जिसके जरिए आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और अगर आप एक ब्रांड बनके आपके प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी तरह से मार्केट में अपना वैल्यू क्रिएट कर पाया, तो ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉइज है, बेस्ट जो टैलेंट है, वो भी आपके साथ जुड़कर काम करने के लिए, आपके बिजनेस को और आगे लेके जाने के लिए आपको अप्रोच करेंगे। अभी हम समझते हैं कि कोका को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कैसे बेटर होगा, इसको हम कुछ पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। सेकंड, गुड और बेटर कम्युनिकेशन। थर्ड, राइट चैनल को यूटिलाइज करना अपने मार्केटिंग के लिए, तभी वो राइट चैनल्स आपको हेल्प करेंगे अपने कोका को कम करने में। फोर्थ, राइट बिजनेस स्ट्रेटजीज। एंड फिफ्थ, गुड कंटेंट एडवर्टाइजिंग। आप अपने बिजनेस के अंदर कितना कोका अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज को भी, उस फिगर को भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े फाइनेंशियल लेवल पे। और साथ ही साथ आप अपने कस्टमर से कितना और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं उस चीज को भी एनालाइज कर लीजिए, ताकि अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपके कस्टमर उस तरह से आपके पास ना आए, ट्रांजेक्ट ना करे, तो उससे भी आपको आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम स्ट्रेटजी की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करना है उनको चुन चुन कर इम्प्लीमेंट करिए, ताकि आपके बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़े। आपके जो कस्टमर है, एक्वायर्ड कस्टमर है, जो आपके बिजनेस के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ जुड़े रहे, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके बिजनेस के अंदर आपके प्रोडक्ट या सर्विस का दम होगा। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली एक कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपको छोड़कर वो दूसरे ब्रांड के बारे में नहीं सोचेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कोका के बारे में एक ब्रॉड आइडिया को एनालाइज करने के लिए, और साथ ही साथ आपको ये भी हेल्प करेगा कि आप अपने बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम वैल्यू टू कोका रेशियो, लाइफ टाइम वैल्यू एलटीवी एंड कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन की जो रेशियो है उसको इम्प्रूव कर सके और अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है किसी टॉपिक में वीडियोस चाहते हैं तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी।
और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।